अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फातिह अब्बास खान। अरबों रुपए की सरकारी दरसी कुतुब में गैर मयारी कागज के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के कानून के मुताबिक मयारी कागज से दरसी कुतुब की अशात लाजमी करार दी जाती है। टेंडर के वक्त कागज की कीमत जो है वो 89 रुपए फी किलो और ओवर ऑर्डर के वक्त कागज की कीमत बढ़कर 110 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, जिसके बायस पब्लिशर्स ने रीसाइकल कागज लगाया और टेंडर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स की मोनोपोली तोड़कर मुकाबला करवाते हुए गुज़श्ता साल की निस्बत रवां तालीमी साल 58 करोड़ रुपए की जो है वो बचत की गई है। ज़राए के मुताबिक करोड़ों कुतुब की अशात गैर मयारी कागज से की गई हैं और टेंडर में एक पब्लिशर ने जो कागज का रेट बढ़ने की सूरत में टेंडर में जो है ली गई 8 किताबों की इशात से इनकार किया, जिसके नतीजे में उन्हें 20 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया, जबकि बेशतर पब्लिशर्स ने मयारी कागज लगाने की बजाय PMIU की दरसी कुतुब में गैर मयारी कागज इस्तेमाल करके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्टाफ से साजबाज भी कर ली और प्राइवेट गोदामों में किताबें रखकर बगैर फ्रेंसिक रिपोर्ट के दूसरे अजला में स्कूल के जो दरसी कुतुब है उनको भिजवाने का सिलसिला जारी भी है। और MD जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल कयूम का, जब उनका मौकफ लिया गया तो उनका कहना था कि दरसी कुतुब के नमूना जात से लेकर लेबोरेटरीज को सारी चीजें भिजवाई गई हैं और अगर कोई रिसाइकलिंग पेपर लगाने में मुलविस पाया गया तो कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। ये बहुत हसास तरीन मौजू है, इंतहाई हसास, और इसे फिर बहुत सारे लोगों से जब बात की गई, बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये तालीम दुश्मनी है और जो लोग किताबों में स्टैंडर्ड का कागज नहीं देंगे वो निज़ाम तालीम में बेहतरी और निज़ाम तालीम को यकसा करने के मौके, लोगों को एक करने के मौके कैसे फ्राहम करेंगे, ये वो सारे मौजूद हैं। और जो अहम तरीन सवाल आते हैं वो आपके सामने हम रखे देते हैं कि दरसी कुतुब में जो क्वालिटी ना देने वाले हैं वो तालीम में क्वालिटी कैसे देंगे, सबसे अहम तरीन और बुनियादी सवाल ये है। और दूसरी बात, अरबों रुपये की जो सरकारी दरसी कुतुब हैं उनमें गैर मयारी जो कागज़ लगा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, और इसमें सबसे बढ़कर 80 करोड़ की दरसी कुतुब जो हैं वो, ये अहम तरीन बात थी, बड़ी पंचिंग लाइन थी कि वो बच जाने की वजह से भी जो महकमा स्कूल एजुकेशन है उसकी गफलत भी सामने आई थी। ये बाकायदा तौर पर एक अहम डोमेन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावा करते हैं कि शायद लाहौर में तालीम जो है शऊर के दीप जलाए जा रहे हैं, लोगों को तालीम दी जा रही है, जिस माशरे में लाखों बच्चे सड़कों पर हों और भीख मांगने पर मजबूर हों, और आप बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस में चले जाएँ अगर तो वहाँ बच्चे जो किताबें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाती हैं, उन छापाखानों में वो काम कर रहे हों, वो मजदूरियां कर रहे हों, तो लाहौर का मुस्तकबिल किधर होगा? और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो सारे का सारा खानदान जो है पैकअप हो जाता है, वो इनिंग ही नहीं अपनी खेल पाता जिसकी औलाद आगे पढ़ नहीं पाती, तरक्की के सारे मौके उन पर बंद हो जाते हैं, वो जहालत की ज़िंदगी गुजारते हैं, और यहाँ लोग बच्चे कमोडिटी की तरह लोगों को अवेलेबल हैं, उनका लोग मिसयूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग आपको सड़कों पर नज़र आएंगे, वो लेबर करते नज़र आएंगे, चाइल्ड लेबर, बहुत सारे जिप्सीज आपको दिखाए, वो खानाबदोश बच्चे दिखाए जो बार बार पुकारते थे कि सीएम अंकल हमें स्कूल बना के दें, और इतने वो ब्रिलियंट बच्चे थे कि आप थोड़ी देर बाद आपको दिखाते भी हैं कि वो सूरत हाल क्या थी इनफैक्ट। लेकिन हमने मिनिस्टर साहब से बड़ी अहम बातें पूछी थी, उनसे पूछा था मिनिस्टर साहब से कि आपका सर्वे क्या कहता है, हमने पूछा था लाहौर का सर्वे क्या कहता है, मिनिस्टर साहब का कहना था कि मुझसे आप पंजाब का सर्वे पूछें, तो हमने उनसे पंजाब का सर्वे पूछ लिया, तो मिनिस्टर साहब से क्या बातें हुई थी जरा सुन लें। सरों के यकसा निज़ाम तालीम के लिए भी बात हुई और वो अखबारात की जीनत भी बनी, कब तक हम इसके करीब पहुंच जाएंगे कि सारे बच्चे जो हैं इनिशियल स्टेज से ही यकसा निज़ाम तालीम की तरफ चले जाएँ ताकि बहुत सारी तकसीम इस वजह से माशरे में जन्म लेती है? और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, मैंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला मार्च 2020 तक तो हम कोशिश कर रहे हैं के मैथ और साइंस को कम से कम ले आए। जो हम चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं ना उसमें टाइम थोड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि आपने सब चीज़ें देखनी कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदारस में क्या पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, इन सब का हम देखना है इंशाल्लाह ताला एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और आप देखना कि जो चीज़ हम देंगे ना कि प्राइवेट स्कूल तक परेशान होंगे जी कि अब ये फ्री में पढ़ाने जो जा रहे हैं ना
कि कितनी क्वालिटी की एजुकेशन है, क्योंकि क्वालिटी पे सब कुछ है। क्वालिटी होगी तो आपका बच्चा मुकाबला कर सकेगा दूसरों के साथ। चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या पॉलिसी आपकी? देखिए चाइल्ड लेबर हम तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और उसकी जो भी जहां पे भी हमें पता लगता है हम पूरा पूरा एक्शन उसके खिलाफ लेते हैं। और हमने तो यहां तक के स्टाइपेंड रखे हुए उन बच्चों के लिए ताकि बच्चों को ये जो हैं काम करने वाले ईंटों वाली जगहों पे। आपने सर्वे करवाया लाहौर में कितने बच्चे सड़कों पे? देखिए मैंने तो लाहौर में तो नहीं सर्वे करवाया, मैं तो पंजाब को ऊपर देख रहा हूं। पंजाब में कितने? देखिए अभी तो ज्यादा है, हमें तो एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं पता, मगर देखें ये चीजें जो हैं ये बहुत पुरानी एक्सरसाइजेस हैं जो चल रही हैं, इन चीजों को ठीक करने के लिए तो हम आए हैं। देखें मुराद साहब आखिरी बात वो ये कि आप जब तक लाहौर में हमने बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों से मिले मुलाकात की, उनका सबसे बड़ी वजह वो है कि उनको किसी तरह का कोई मुआवजा हुकूमत नहीं देती, और 3-4 हज़ार जो कमाते हैं वो महीने का वो जाके माँ को देते हैं, किराए के मकान है उनके। तो आप जब तक पेरेंट्स को इतमाद में लेकर उनको कोई मुआवजा उसका नहीं देंगे कि आपका बच्चा स्ट्रेट लेने लगी है, तो वो कैसे आपको बच्चा देंगे? मैं आपको बताऊँ, मुआवजे से कभी कोई स्कूल नहीं आया। सबसे पहली बात मैं ये, एक बड़ी गलत परसेप्शन है कि लोगों को पैसे दें और वो स्कूल आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मैं गया हूँ साउथ पंजाब में जहाँ पे हम जेवर तालीम में दे रहे हैं, वहाँ पे 20 लाख जिसको मिल रहा था ना, जिसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए, उसको भी 1000 रुपए उसकी बेटी को दे रहे हैं, और जिसकी 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है उसको भी 1000 रुपया। सोसाइटी के दो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं सर एक केस आपने डिस्कस किया, एक मैंने किया। आपने कहा शौक से लोग आते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनकी मजबूरी है, वो भी उनका अगर वो 3-4 हज़ार कमाते हैं उस पर भी कांटा लग जाएगा, तो घर में फाके कौन पूरे करेगा? देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैसे देने से लोग, बड़ी छोटी मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है वो जो स्कूल आएगी, बहुत थोड़ी। जो आप अच्छी चीजें जसवत आप सही चीज पढ़ाएंगे ना, बहुत बड़ी तादाद पैसे देने से स्कूलों में आएगी। क्यों नहीं आई पहले? फिर आपने कब दिए? मैंने तो नहीं कब दिए? वो जो फंड सब अरब, वो फंड तो नैब में जा रहे हैं, आपको पता नैब के केसेस बने हुए हैं, फंड तो शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ये सूरत हाल है, और सबसे बढ़कर आपको वो जिप्सीज में दिखाता हूँ, वो जिप्सी जरा देखिए और उनके जो लहजे हैं वो जरा नोट कीजिए, आपको पता चलेगा कि लोग तालीम के बगैर कैसे गुजारा करते हैं। देखिए जरा बस्ती किस बैनर से बनी हुई है, जो दिलों में बस रहा है हुकूमत उसी की है। आप दाखिल होना चाहते हैं स्कूल में? यस। तो क्यों आपको नहीं दाखिल करवाते घर वाले? बस तो पिपरा बेचने। अच्छा तो बेटा आप स्कूल जाना चाहते हो लेकिन अभी तक नहीं जाते, क्यों नहीं बेटा जाते? बस मजबूरी से। आप स्कूल जाते हो? नहीं। आप भी नहीं जाते? नहीं। आप जाना चाहते हो? हाँ जी। ये देखें अजहर साहब हमारे बच्चे, और ये सारे के सारे स्कूलों में नहीं जाते, ये सूरत हाल। आर्टिकल डाला था 25 से 5 से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम। क्या लफ्ज कह रहा हूं? मुफ्त और लाजमी तालीम। मुफ्त तालीम तो मैं देख रहा हूं ये बेचारे किसे ले रहे हैं, गली मोहल्लों से। ये देखें, ये देखें बेटा, ये इसमें क्या पढ़ते हो आप? ड्राइंग है। आप ड्राइंग करते हो? हाँ। क्या ड्राइंग की दिखाओ, आपका नाम क्या है? निशा। निशा क्या ड्राइंग करते हो? पेंसिल है आपके पास ड्राइंग के लिए? नहीं। आज तो बहरहाल क्रेडिट जाता है लाहौर न्यूज को, दोनों हाथों से सैल्यूट है भाई आपकी इस टीम को, कि आप ये जो पब्लिक इशू जो है ना, ये है पब्लिक इशू। रोजाना टीवी चैनल पे मैं भी बहुत कुछ बोलता हूँ जाके, ये वो मामला जो उठाने वाला है। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। जिस बच्ची के पास ड्राइंग की किताब है उसके पास पेंसिल भी हो। ये देखा आपने लिंक भी। अब मेरे साथ एमडी साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल कयूम साहब, आप टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी हैं। मेरे साथ खालिद परवेज साहब बैठे हैं, सदर आल पाकिस्तान अंजमन ताजरा हैं आप। सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। राणा लियाकत साहब है मेरे साथ, राणा साहब बहुत शुक्रिया, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन। सजाद काजमी साहब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, काजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एमडी साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दरसी कुतुब में गैर मयारी कागज के लिए क्या सूरत हाल है, क्या स्टेटस है, और ये जो आपने स्पेसिमेन उसका भिजवाया है फ्रेंसिक के लिए, कितने परसेंट उस पर अभी काम हो गया, कब तक रिपोर्ट उसकी आ जाएगी? उसमें रिपोर्ट आती है, कुछ केसेस में पाया गया कि कागज जो है रिक्वायर्ड मयार के नहीं है, तो उसके मुताबिक जो कानून की सजा देंगे हम उनको जुर्माना करेंगे, फाइन करेंगे।
और कितने लोग हैं वो अंदाज है जी? कुछ ज्यादा नहीं है, चांदे केसेस है सर। सजाद काजमी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी काजमी साहब। जी सर, जब 2019-20 के लिए किताबों का टेंडर हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट का ये दावा था महकमा स्कूल एजुकेशन का और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बिहाब पे, आपकी बिहाब पे ये दावा किया गया कि हमने पहली दफ़ा तारीख के अंदर 58 करोड़ रुपए की बचत की है। अब 58 करोड़ की बचत आपने इसलिए की थी कि आपने जो पब्लिशर प्रिंटर थे उनका मुकाबला करवाया, ठेकेदारों को आपस में मोनोपोली तोड़ दी, उन्होंने रेट इस तरह के दिए जिससे बोर्ड को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। लेकिन जिन्होंने 58 करोड़ रुपए आपको दिए उन्होंने बाद में जाके वो पेपर रिसाइकलिंग यानी गैर मियारी पेपर लगाया और अपने पैसे पूरे कर लिए। अब आपको 58 करोड़ रुपए बच गए, उन्होंने भी अपने पैसे बचा लिए। अब मसला ये कि सारा बोझ जो है वो तलबा पे पड़ा है, टीचर पे पड़ा है, गैर मियारी किताबें गई हैं, जल्दी फट जाएंगी, उसका मियार जो है वो नाकस है, तो उसका नुकसान जो है ना वो तालिब इल्म को है। जो सरकारी किताब एक दफ़ा फट जाती है बच्चे से तो आपको पता है कि वो किस तरह मिलती है, वो बाजार से बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इसमें 58 करोड़ जो आपने बचाए वो किधर गए? आप सारा तो गैर मियारी कागज में लग गए। देखिए सारा आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 100% ही गैर मियारी हो गया। नहीं सर, जहाँ कहीं हमें कोई कंप्लेंट मिली है हमने उसकी सैंपल जो है ये PCSIR को भेजे हैं और जिनके बिलो स्पेसिफिकेशन आएंगे उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सर देखें, जो बुक्स रिसाइकलिंग जिसमें पेपर लगा होता है वो बुक्स दूर से, खालिद प्रोफेसर साहब इधर बैठे हैं, उसको दूर से हाथ से पकड़ने से पता चल जाता है कि ये पेपर रिसाइकलिंग है। और मैं समझता हूँ कि आपके मेरे ख्याल में इलम में 1-2 महीने हो गए हैं कि ये बात हम लेके आए थे कि रिसाइकलिंग पेपर लगाया गया है, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, ये क्या वजह है इसकी? रिपोर्ट मैंने कहा ना आ गई है और उसमें सारे जो सैंपल हमने भेजे थे। तो बता दें रिपोर्ट क्या कहती है, शेयर कर लें। मैं एमडी साहब, रिपोर्ट के मुताबिक क्या कितने लोग विक्टिम है इसमें, कितने लोग कसूरवार है? अब इस वक्त मैं घर में लेटा हूँ, डॉक्टर मेरा अभी बैग लगा के गया है, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि बहुत जो मोस्टली केसेस में उनकी रिपोर्ट ठीक आई है, जो चांदे में आई है उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं इंशाल्लाह। चांदे के एमडी साहब कितनी तादाद है, कोई अंदाजा है? तादाद तो है मुझे एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं है। और जुर्माना कितना करेंगे, क्या क्या जुर्माना जो कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक करेंगे, फाइन होता है। कितना फाइन होता है वो हर? हाँ जी मेरे साथ खालिद परवेज भी, खालिद साहब एमडी साहब से एग्री करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने फ्रेंसिक रिपोर्टें भी मंगवा ली हैं, मेरे पास पड़ी हैं सारे के सारे कागज में, ऐसा नहीं हुआ, कुछ जगह पे कंप्लेंस हैं, उनके खिलाफ हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आप मुतमईन है, ठीक है सारा? खालिद साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो गैर मियारी और मियारी की मुझे समझ नहीं आ रही तशरीह इसकी कैसे की जा सकती है कि पाकिस्तान ने बनने वाला कागज़ कोई भी मियारी नहीं है। ये मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, और वो इस काबिल नहीं है कि आप मल्टीनेशनल की मुकाबले करें जो दूसरे स्कूलों में जैसे हुकूमत दावा कर रही है यकसा तालीमी निज़ाम। इसका ये मतलब नहीं कि आप चंद मिलों को आप ठेका दे दें कि वो आकर और कागज़ तैयार करके, और आपने रेट बताया 89, मैं कह रहा हूँ नहीं 84 था रेट उस वक्त मार्केट में, और जब उनकी कमिटमेंट थी कि इसको 88 तक लेके जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कोई, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई तूफान आया, इतना डॉलर बढ़ गया, इतनी बिजली के रेट बढ़ गए। फिर एक अजब तमाशा ये हुआ कि रेट उसके 30 रुपये केजी के बढ़ा दिए गए जब मंजूरी हो गई 5 मिलों की, जब मंजूरी हो गई उनकी मोनोपोली बन गई, उसका मुतबादल कोई था नहीं। मेरे दोस्त ने भी कहा, आपने भी उसका जिक्र किया कि रिसाइकल पेपर, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इन मिलों का कागज़ है ये साबित कर दें कि 100% प्योर पलब है तो मैं ये कारोबार भी छोड़ दूंगा और ये बाज़ार भी छोड़ दूंगा, सारे काम भी छोड़ दूंगा। वो उसमें शामिल करते हैं ये रिसाइकल, आप किसको कह रहे हैं वाइट कटन? खाले साहब एक बात काट रहा हूँ आपकी, जब पेपर इधर बन रहा है तो डॉलर में जो लोकल चीज बनी उस पर डॉलर नहीं असर करता, तो फिर जब हम बाहर से ये मैं ये कह रहा हूँ बड़ी ज्यादती हुई, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, ये बड़ा बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि 30 रुपये केजी के उन्होंने मोनोपोली अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, उस पर हमने एहतजाज किया, गवर्नर हाउस साहब
گورنر صاحب نے بلایا, ان سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ تو واقعی زیادتی ہے, ابھی اس کا اضالہ ہونا چاہیے. پھر چیف منسٹر ہاؤس میں بھی مجھے بلایا گیا, وہاں بھی انہوں نے کہا یہ بھی زیادتی. پھر مراد صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی, مراد صاحب نے بھی کہا یہ, لیکن اس کا عمل کیا ہوا کہ اس کے مراد صاحب سے ملاقات کے 3 دن بعد ملوں نے 5 روپے کے جی کا ریٹ اور بڑھا دیا, یہ اس پر اثر انداز ہوا. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جو ملوں سے کاغذ آیا ہے وہ پیورلی نہیں ہے, وہ ری سائیکل ہی کہلاتا ہے, ری سائیکل ہی ہے وہ, وائٹ کٹنگ کا. اور دوسری کٹنگ مراد راج صاحب کے ساتھ مل کے ملوں نے کیسے بڑھایا یہ تو ذرا وضاحت. یہ میں دیکھیں میری بات سنیں, یہ مراد صاحب کے ساتھ غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے, لیکن جو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کی گرفت نہیں, حکومت نے کچھ ان پر ایکشن نہیں لیا. یہ حالانکہ اس کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی, ویسے کہہ رہے ہیں یکساں تعلیمی نظام. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کی سب میں بڑا افسوس ہے اس پاکستان کے لیے, لمحہ فکریہ کہ ہم سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ایجوکیشن میں ہیں, کیونکہ ایجوکیشن کا ہمارا جو سلسلہ ہے بے یار و مددگار ہے, اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں. دنیا میں کہیں کاغذ پر ڈیوٹی نہیں ہے. آپ نے ان کی مونوپلی بنا دی 5 ملوں کی, باہر سے لانے کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو پیور پلب کا ہے آپ اپنے بچے کو سپارہ تو آپ لے کر دے رہے ہیں اس کو 1 روپے والا. مجھے خیال سے بریک لینی ہے, میرے ساتھ MD صاحب بھی موجود ہیں, دیگر پینل بھی ہے, شارٹ بریک لیں گے جی. شارٹ بریک ہمارے ساتھ لیں گے.